ये संकट काल उनके लिए ज्यादा है। धीरे धीरे मार्केट की मैच्योरिटी और रिक्वायरमेंट की मैच्योरिटी बढ़ रही है, चलता है वाली चीज अब नहीं चल पाएगी। और ये मास का एटीट्यूड है, ये कोई लिमिटेड सेक्टर का एटीट्यूड नहीं है, मासेस का एटीट्यूड है कि हम एक्सीलेंसी की तरफ बहुत कम लोग जा पाते हैं कि टॉप क्लास चीज बने, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बने, वर्ल्ड क्लास डिलीवरी हो। जो हमारा आदमी है वो भी पास करने के उससे है, एटीट्यूड है कि यार इंजीनियर बन जाओ। हाउ मेनी पीपल आर कमिंग इन above 90%, above 95%, एंड दे आर गेटिंग रेडी कि मेरे को आज जॉब ढूंढना नहीं पड़े, लोग मेरे को ढूंढे। ऐसे कितने लोग हैं आप ये देखिए, एक तरफ तो प्रॉब्लम है आईटी इंडस्ट्री की कि उनको आदमी नहीं मिल रहे हैं, और एक तरफ ये प्रॉब्लम है जॉब नहीं मिल रहा है। एक तरफ हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम जिनको जॉब मिल गया है वो भी निकाले जाएंगे। तो मतलब आपके कहने का तात्पर्य जो मुझे समझ में आ रहा है कि आज छटनी की बात तो हो रही है कि जो लोग हैं उन्हें बाहर किया जाए, संख्या सीमित की जाए, लेकिन जिनको आप चुन रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हम उनके बदले में लोगों को नियुक्तियां भी कर रहे हैं, तो ये नियुक्तियां भी भविष्य में बहुत बड़े संकट का कारण बनेंगी। आपके उस स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरेंगी, ये बहुत बड़ा इशू है, तब आप नए कहां से लाएं। तो हमारे को ये इशू है, इसके लिए हर कंपनी एक नए मोड में चल चुकी है कि हम एम्प्लॉय को ग्रूम करें, एम्प्लॉय को ट्रेन करें, एम्प्लॉय को अपना लाइफ बनाए, उसको विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रेन करें कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस अल्टीमेटली, आप एक बार देखिए कि कोई भी एम्प्लॉयर पे नहीं करता है सैलरी, एक एम्प्लॉय कस्टमर पे करता है सैलरी। ये अगर हम इस भाषा में इसको समझेंगे, एम्प्लॉयर पे नहीं करता, आई डोंट पे द सैलरी टू द एम्प्लॉय, कस्टमर नहीं है तो मैं कहां से पे करूंगा उसको। कस्टमर का मतलब क्या हुआ कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस जो एम्प्लॉय के जरिए बनेगी वो कस्टमर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो, जब तक वो प्रोडक्ट बिकता रहेगा जॉब इज सुरक्षित। तो डाटा साहब ये बात कभी उठी नहीं कि जहां से ये प्रोडक्ट आ रहा है एम्प्लॉय का नियुक्ति तो बात नहीं है, आपके पास तो बात नहीं है, जहां वो अपने जीवन के स्वर्णिम 4 साल देता है, तो जो लोग उसको वो बना रहे हैं इस लाइन, उनकी क्षमताएं क्या है, उन संस्थानों की स्थिति क्या है। हम IIT को अलग रखते हैं, NIT को भी अलग रखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपने कभी कोई समझ नहीं, आपने जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है या हार्डवेयर प्रोडक्ट है उसको आपने मैन पावर प्रोडक्ट है डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर दिया, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका बायर है क्या, उसका नतीजा क्या है। अगर बायर नहीं है तो वो इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंद हो रहे हैं। आज आपको पता है राजस्थान में ही 50% से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बिकाऊ हैं। क्यों है? क्योंकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मांगा जा रहा है, नोबडी इज डिमांडिंग। आप बुला रहे हो पैसे देकर के कंपनियों को, आप बुला रहे हो रिक्रूटमेंट करने के लिए, तब भी आने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है। तो जो आदमी जब तक प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देगा कि मेरा प्रोडक्ट मांगे लोग पुल हो मार्केट से, पुश से मार्केट से, बहुत ज्यादा समय तक आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। जो ये लोग हटाने की बात कर रहे हैं इसके पीछे सिंपल सिद्धांत है, मार्केट में कोई डिमांड कम नहीं हुई है। अभी तो IT सेक्टर को बहुत कुछ देखना है। मेरे हिसाब से IT सेक्टर ने अपना जो खुद का वर्चस्व है उसका 5-7% भी अचीव नहीं किया है। जैसे एक इसमें शब्द आया है ऑटोमेशन, कि मशीनें काम करेंगी, और ये तो जब से कंप्यूटर आया है तब से आया है, अब चर्चा में जाना है, आम आदमी भी इस पर बहस कर रहा है, तो इसका कितना फर्क है? ये आने वाले दौर की सच्चाई है और आज के दौर की भी सच्चाई है, और इसने भी कुछ फर्क डाला है इस इंडस्ट्री में? मैं नहीं मानता हूँ उसको, ऑटोमेशन की वजह से आपके लाखों लोग जाएंगे। आप ये अपना बहुत सही बात बोली कि जब कंप्यूटर्स आए थे तो सब लोग सोचते थे कि जो जॉब्स हैं वो चले जाएंगे। मुझे बताइए आपको पत्रिका में कौन सा जॉब चला गया कंप्यूटर की वजह से? जर्नलिस्ट हैव इंक्रीज, टेक्नीशियंस हैव इंक्रीज, काम बढ़ता है। IT जब भी आती है पिक्चर में या ऑटोमेशन आता है तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, गुणवत्ता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आदमी अपना व्यापारी अपना काम बढ़ा लेता है। उसी रूम में अब 10 लोग बैठते थे, कंप्यूटराइजेशन हो गया, उसी में वो अब 20 लोगों का काम करने लग गया, आदमी कम नहीं होता है। बहुत कम जगह ऐसी होंगी इन 1-to-1 अगर अपन कंपेरिजन करेंगे कि आदमी जो है काम करने लग गया है, 3 की जगह 1 आदमी कर रहा है, 10 की जगह 2 आदमी काम कर रहा है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में कि जहाँ से ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, इंजीनियर्स जहाँ से पढ़ के आ रहे हैं और वो जहाँ राजस्थान में उनको नियुक्तियाँ मिल सकें,
इन दोनों का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाहर से भी आपके पास कितनी होगी आपके माध्यम से, मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं बहुत इंटरव्यूज लेता हूँ और अब मैंने इंटरव्यू लेने भी काफी कम कर दिए हैं उस लेवल के ऊपर, लेकिन 100 में से आप 4-5 लोग ही हायर कर पाते हो। टका साहब उन 95 का क्या हुआ, कहीं ना कहीं जाएंगे। तो आपको मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप आश्चर्य करेंगे। हम एक राजस्थान सरकार का प्रोजेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग का, और उसमें हमको कुछ जगह मीटर रीडर चाहिए होता है। एक मीटर रीडर जनरली 6,000 से 8,000 रुपये कमा पाता है। उसमें जब हम एड निकालते हैं तो उसके अंदर IITian सप्लाई करते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स ITI वाले, IITian BCom अप्लाई करता है, BA अप्लाई करता है, MTech BTech अप्लाई करता है, वो 8,000 रुपये की तनख्वाह में अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऑलरेडी 2 साल उन्होंने लगा लिया, नौकरी नहीं मिली, वो इस लेवल पे आ जाते हैं। आज भी अभी मैं कुछ रोज पहले ही रिव्यू कर रहा था, और वो टाइम बाउंड ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लगातार 2 साल उसमें निकालेंगे जी, लेकिन वो अपना कहीं तो चालू करें। और फिर वो अपना रिज्यूम में लिखते हैं कि डाटा इन्फोसिस में 3 महीने नौकरी की, 6 महीने नौकरी की, और फिर वो दूसरा जंप लेने की कोशिश करते हैं। डाटा साहब समय कम है कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि जिनको नौकरियां मिल जाए इस क्षेत्र में और जिन्हें न मिल पाए, तो आप जब उनकी कमी पाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे कि आप इसको कैसे और परिष्कृत अपने को कर सकते हैं, जिससे अगला इंटरव्यू जब हो तो कोई भी कंपनी आपको सहज नियुक्ति दे। मैं 2 चीजें बिल्कुल कहता हूँ कि आप खुद प्रोडक्ट बन जाए। आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं प्रोडक्ट के, आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हैं? आप अगर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाए, लोग चाहें ऐसा प्रोडक्ट बन जाए, उसके लिए सिंपल है, एजुकेशन के साथ में आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी लें। तो मेरे पास बहुत मिलने वाले आते हैं, जो दोस्तों के बच्चे आते हैं, प्रोफेसर हैं जो दोस्तों के बच्चे आते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप ये कोर्स पर्टिकुलरली, अगर आपको प्रोग्रामर बनना है, एंड्रॉयड का प्रोग्रामर बनना है, कॉलेज के अंदर एंड्रॉयड आपको अगर नहीं सिखाया गया है, यू वांट टू गो इनटू मोबाइल, आप स्कूल एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन साथ में एंड्रॉयड भी सीखिए, एंड सडनली यू विल सी दैट यू आर इन डिमांड। तो मार्केट से टच में रहिए। आज की तारीख में आपने अगर शोरूम खोल रखा है मोबाइल फोन बेचने का, और आप अगर पुराना सीमेंस का फोन बेच रहे हो अपने शोरूम में, डू यू एक्सपेक्ट समबडी टू कम? तो क्वेश्चन इज, आप जब अगर नई एंड्रॉयड पे, आईफोन पे या विंडोज पे नहीं आएंगे, आप ब्लैकबेरी का शोरूम खोल लीजिए। आज जो डिमांड में नहीं है उसका आपको रखने से फायदा नहीं है। एजुकेशन हमारा पीछे चल रहा है, ये हर आदमी को समझना पड़ेगा कि एजुकेशन इज ऑलवेज बिहाइंड देन व्हाट इंडस्ट्री वांट्स। तो अगर आपने अपने आप को इंडस्ट्री के लिए आगे नहीं बढ़ाया, कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो साथ में अपनी एजुकेशन के साथ में, तो आपका जो नौकरी है या आपका भविष्य है वो डेंजर में है। एंटरप्रेन्योर बनना है तो अलग बात है, ये आपको एजुकेशन कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए, डिग्री के लिए चाहिए, एक अलग बात है, आपको बिजनेस चालू करना है, लेकिन नौकरी में तो आपको दिक्कत आने वाली है। डाटा साहब आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत